नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर से बनी ही बहुत ही ज़्यादा रिच, क्रीमी और सॉफ्ट बर्फी, वह भी आसानी से घर में सिर्फ 15 मिनट में। आप इसको खा के ये बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे कि आपने ये दूध काढ़ के बनाई है या आपने मिल्क पाउडर से बनाई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखिए कितनी इसकी मोटाई है और इधर से देखिए इसके दाने कैसे इसके दाने दिख रहे हैं और देखिए ये तोड़ने में कितनी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्रीमी है। इसे ज़रूर बना के खाइए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए देखते हैं हमने ये कैसे बनाई है अपनी मिल्क पाउडर से बर्फी। हमने एक पैन में 4 चम्मच घी लिए और गैस को कर देंगे ऑन। अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं। घी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो पे और इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। ये उबला हुआ दूध है, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो। ये दूध और घी अच्छी तरह से मिल गए हैं तो हमने फ्लेम को, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिए। तो इसमें हम 2 कप डालेंगे मिल्क पाउडर। हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर की बर्फी, तो 2 कप हम डाल दिए हमने मिल्क पाउडर के और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पकाएंगे। मिल्क पाउडर दूध और घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम हिलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम ही रखना है। इसे हमें कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाना है। अगर हम इसे हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। हमारा मिल्क पाउडर पक चुका है, ये देखने से ही देखिए पता चल रहा है कि इसने घी को छोड़ना शुरू कर दिए, अलग होना शुरू हो गया घी इससे। तो अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी का हमने पाउडर बना लिया, इसको पीस लिया। इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए हम शुगर पाउडर को मिलाएंगे। इसे पाउडर हम इसलिए बनाते हैं कि दूसरी चीनी जो है उस मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है और इससे कि क्या होता है कि मिल्क जो हमारा मिल्क पाउडर है वो कहीं ज़्यादा पक ना जाए। ये हमारा मिक्सचर लगभग तैयार है। बस इसे मुझे पकाते हुए टोटली 10 मिनट ही हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ नट्स। इसका जब फ्लेवर, नट्स का फ्लेवर जब मुंह में आता है बर्फ़ी खाते हुए, आप बर्फ़ी बनाओ, इसके पेड़े बनाओ, जो भी बनाओगे आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि ये जमने के लिए तैयार है कि नहीं। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अलग कटोरी में डाला है। अगर ये जमने के लिए तैयार है तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। ये देखिए इस प्रकार से ये राउंड होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को करते हैं बंद, पर हम इसे थोड़ा सा थोड़ी देर चलाते जाएंगे क्योंकि हमारा पैन जो है वो गर्म है। और कितनी बढ़िया ब्राउन बर्फी हमारी बन के तैयार हुई है, देखिए। अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे 1 चम्मच केवड़ा जल और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमें बाद में डालना है जब हमने गैस की फ्लेम को कर देना बंद। अब हमने एक बॉल लिया, उसमें हमने रखा है ये फॉइल पेपर, इसको हमने पहले ही ग्रीस कर लिया। लीजिए ये मिक्सचर हम अब इसमें डाल देंगे, इवनली इसको स्प्रेड करेंगे। इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे हल्के हल्के ड्राई फ्रूट डाल के और इसको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। इसको फिर से इस तरह से दबा देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से इसके बीच में सेट हो जाएं। हमने बर्फी को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, ये देखिए कितनी अच्छी सेट हुई है।
अब हम नीचे से भी देखिए, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसको हम बोर्ड के ऊपर रखते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है, ये देखने से ही उठाने से ही पता चलता है कि कितनी अच्छी सेट हुई है। तो एक सेंटर से और साइड से इस प्रकार से हम इसे काटेंगे। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो, जब भी आपका मन करे आप इसे बनाइए खाइए, क्योंकि इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं। तो अब हम इसके को प्लेट में निकालते हैं। आप बर्फी को बनाइए खाइए और इंजॉय करिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।